एक बार फिर खाकी हुई शर्मसार। खाकी के मुंह पर काले पोत रहे कुंदर की पुलिस के अल्फाज। एक तरफ योगी सरकार पुलिस कर्मियों को सम्मानित कर पत्रकारों को सम्मान देने की बात कर रही है, तो वही पुलिस योगी सरकार के वादे और ध्वस्त कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। योगी सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान की बात करती हो, लेकिन धरातल पर उनकी ही पुलिस खाकी की मर्यादा खो बैठी है और पत्रकारों के सम्मान का जमकर मजाक उड़ा रही है। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के थाना कुंदर की पुलिस का है। थाने में तैनात सिपाही खाकी के नशे में चूर, खाकी की मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए समाज का आईना और देश के चौथे स्तंभ को एक पुलिस सिपाही आकाश राणा ने कहा कि पत्रकार एक कुत्ता होता है और कुत्ते की तरह सूंघता हुआ घटना स्थल पर पहुंच जाता है। पत्रकारों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार और उनकी पुलिस ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है या इसी तरह देश के चौथे स्तंभ का शोषण करती रहेगी। सर, मेरा नाम मुजाहिर हुसैन और पप्पू जान छपाजलपुर थाना कुंदरती का निवासी हूँ। सर, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। 12 तारीख को एक सूचना मिली कि खनन को लेकर इसमें विवाद भी हुआ। थाना कुंदर की क्षेत्र ग्राम सोदा ये सूचना थी। सर, मैं कवरेजिंग के लिए वहाँ पर पहुँचा। जैसे ही मैं कवरेजिंग के लिए पहुँचा, मैंने अपनी बाइक साइड की, वहाँ पहले से ही मौजूद हमारी कुंदर की पुलिस से कॉन्स्टेबल आकाश राणा, महिला कॉन्स्टेबल रूबी, कॉन्स्टेबल सचिन और SI नयाब खान साहब मौजूद थे। मैंने बाइक अपनी साइड से खड़ी की। आकाश राणा जी, क्या वहाँ ग्रामीण भी मौजूद थे? नहीं सर, वहाँ पर ग्रामीण मौजूद नहीं थे। वहाँ जो था थोड़ा साइड से, बिल्कुल सोंदा के लाल ढाया एक रास्ता पड़ता है, वहाँ पर जाकर बिल्कुल साइड में गाड़ी खड़ी थी। क्या शब्द बोले थे उन्होंने? उन्होंने सर मुझे शब्द बोले जिस तरीके से कुत्ता सूंघता हुआ आ जाता है, ये पत्रकार भी इसी तरीके से हैं, कुत्ते की तरह सूंघते हुए हमारे पीछे आ जाते हैं। सर, मैं इससे मुझे बड़ा दुख है, मैं उनके सबसे बड़ी निंदा करता हूँ। इन्होंने ऐसे शब्द बोले मेरे पत्रकार साथियों को, एक कुत्ते से टिप्पणी की, मुझे बेहद अफसोस है। इसके लिए मैंने मुरादाबाद SSP कार्यालय में भी लिखित में प्रार्थना पत्र दे दिया है। वहाँ पर SSP महोदय साहब नहीं मिल पाए थे। CO बिलारी वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने मेरी उनसे बात हुई, मैंने लिखित में उनको दे दिया है। अब सर मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से जहाँ की एक हमारी केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का पत्रकारों को सम्मान की बात चल रही है, लेकिन हमारे ऐसे पुलिसकर्मी जो पत्रकारों को कुत्ते से टिप्पणी कर रहे हैं, सर मैं इसके लिए कानूनी कार्यवाही मेरी आला अधिकारियों से, शासन प्रशासन से मेरी सबसे ही अनुरोध है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने ये शब्द कहे हैं, एक पत्रकार के लिए नहीं, सभी पत्रकारों के लिए कहा गया, जबकि पत्रकार चौथा स्तंभ कहलाते हैं। जब वहाँ उच्च अधिकारी भी मौजूद थे जी, उस सूचना पर ये पुलिसकर्मी तो थे ही, उसके बाद वहाँ पर SDM बिलारी प्रशांत तिवारी जी भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो आपने उस समय शिकायत की थी? सर, ऐसा था कि मैं बाइक से, उन्होंने वो जो शब्द कहे थे SDM महोदय साहब, उससे पहले पीछे रुके हुए थे, पुलिसकर्मी पहले पहुँच गए थे वहाँ पर। उनकी जब हम वहाँ पहुँचे तो उनके पास सूचना आई कि SDM साहब वहाँ पर खड़े हैं। अब क्या आश्वासन मिला आपको और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर, कार्रवाई मैं ये चाहता हूँ कि कल कप्तान साहब को मैं यहाँ पेश हुआ था, मैंने अवगत करा दिया है, कप्तान साहब नहीं मिल पाए हैं। मेरी 12 तारीख की घटना थी सर, मैं मेरी तबीयत खराब थी जिसके कारण मैं नहीं पहुँच पाया, और आज भी मेरी तबीयत खराब है। रात मुझे डिस्चार्ज किया गया है, कुंदर की हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हुआ था राजा नर्सिंग होम से। इससे पहले कुंदर की मैं और 3-4 हॉस्पिटल से जहाँ पर मेरा इलाज चल रहा है, और मैं रात ही डिस्चार्ज हुआ था, और मैं आज यहाँ कुंदर की थाने हूँ। जैसे 24 घंटे बीत गए तो कार्रवाई नहीं हुई सर, अभी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कदम सर? हम धरने पर बैठेंगे, इसके लिए हम सभी आला अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी मांग को उठाएंगे, सारे पत्रकार साथी सभी के लिए ये गलत शब्द है।